नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दीन बंधु सर छोटूराम की 64 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिला रोहतक में गढ़ी सांपला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने दीन बंधु सर छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला सोनीपत की बड़ी क्षेत्र में निर्मित की जाने वाली रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने दीनबंधु सर छोटू राम की स्मृति में बने संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां उनके जीवन को चरित्र करते दृश्य और उनसे संबंधित वस्तुओं को एकत्र किया गया है। मंगलवार को हरियाणा के रोहतक जिले में गढ़ी सांपला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम की 64 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे। प्रतिमा का अनावरण समारोह में उपरांत प्रधानमंत्री ने जिला सोनीपत में बड़ी क्षेत्र के अंदर निर्मित की जाने वाली रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी। दीनबंधु स्मृति रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज किसानों के मसीहा दीनबंधु चौधरी सर छोटू राम जी की इन भव्य प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन इस शुभ अवसर पर जिला सोनीपत में बड़ी क्षेत्र के अंदर निर्मित की जाने वाली कोच फैक्ट्री की भी आधारशिला रखी जाएगी। हमारे दीनबंधु छोटू राम की मूर्ति हमने सौंपण आया सु इससे बड़ा मेरे खातर खुशी का कौन सा दिन हो सके हो। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे उस सांपला में किसानों की आवाज, किसानों के मसीहा रहबरे आजम दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी की इतनी भव्य और विशाल प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला। यहां इस सभा में आने से पहले मैं चौधरी छोटू राम जी की याद में बने संग्रहालय में भी गया था। अब इस संग्रहालय के साथ ही हरियाणा की सबसे ऊंची प्रतिमा सांपला रोहतक की एक और पहचान बन गई और मेरा सौभाग्य है इसी अक्टूबर महीने में किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी की हरियाणा की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य मिलेगा और दोनों महापुरुष
किसान थे, किसानों के लिए थे और किसानों को देश के लिए जोड़ने का काम किया था। और दूसरी विशेषता है, इस प्रतिमा को निर्माण किया है श्रीमान सुतार जी ने। अब 90 से भी ज्यादा आयु हो गई है, अभी भी काम करते हैं। और वही हमारे सुतार जी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी उन्होंने ही बनाई है। मैं हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के साथ साथ पूरे देश के हमारे सभी जागरूक नागरिकों को बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश में समय समय पर ऐसी महान विभूतियां जन्म लेती रही हैं जो अपना पूरा जीवन का सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा और देश को दिशा दिखाने में समर्पित कर रहे हैं। कितनी ही गरीबी हो, अभाव हो, कितनी ही मुश्किलें हो, संघर्ष हो, ऐसे व्यक्ति हर चुनौती को पार करके खुद को खपाकर समाज को मजबूत करते रहे हैं। हमारी सरकार देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मान बढ़ाने का काम कर रही है। बीते 4 वर्षों से ना सिर्फ महान व्यक्तित्वों का सम्मान देने का काम हो रहा है, बल्कि उनके दिखाए रास्तों को विस्तार भी दिया जा रहा है। किसानों को, छोटे उद्यमियों को मदद के लिए साहूकारों के भरोसे ना रहना पड़े, इसके लिए बैंकों के दरवाजे खोल के रखे गए हैं। जनधन योजना के तहत हरियाणा के भी करीब 66.5 लाख भाई बहनों के खाते खोले गए हैं। सरकार द्वारा सहकारी बैंकों से ऋण लेना और आसान किया गया है। हाल में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी शुरू हुआ है। इससे आपको अपने गांव में ही डाकिये के माध्यम से घर पर ही बैंकिंग सेवा मिलनी सुनिश्चित हुई है। साथियों, चौधरी साहब ने जिस प्रकार